जी, जैसे आप जानते हैं, ज़िला पुंछ में रिसेंटली जो भाटादोरियाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, और नेबरिंग ज़िला राजौरी में जो कंडी मिलिट्री अटैक हुआ था, उसके बाद पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव रैम्प्ड अप देयर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस। तो काफ़ी इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। रिसेंटली टाउन एरिया में भी कुछ हुए, और इस दौरान हमारा जो ये शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो एक कुछ कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी थी विद यूज़ ऑफ जो पटाखे फाड़े जाते हैं शादियों की सेलिब्रेशंस में, और अगर उन्हें कुछ कोई सिटीजन्स हमारे कंफ्यूज कर दें विद सम यू नो क्रॉस फायर बिटवीन टेररिस्ट एंड फोर्सेस, तो वो कन्फ्यूजन और उससे जो उभरता वो पैनिक अवॉइड करने के लिए हमने सेक्शन 144 CRPC के अंडर एक टेम्प्ररी बैन लगाया है फॉर सेल परचेज एंड यूज़ ऑफ क्रैकर्स, और ये सिर्फ कुछ ही हद तक कुछ ही वक्त तक चलेगा, ये टेम्प्ररी बैन है, और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों की वेडिंग सेलिब्रेशंस पीसफुली हों और किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं हो बिटवीन सिटीजन्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस।